जुआ, गैम्बलिंग, सट्टा बाजार। जब भी शेयर मार्केट की बात आती है तो हमारे आजू बाजू वाले लोग हमें यही कहते हैं कि भैया शेयर मार्केट में पैसे मत लगाइए, डूब जाएंगे। हमने बहुत अच्छे अच्छे लोगों को गाड़ी बंगले से रोड पे आते हुए देखा है। तो क्या शेयर मार्केट उतना रिस्की है? क्या हमें शेयर मार्केट में ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर आप शेयर मार्केट में नए हो या तो फिर आप शेयर मार्केट में अपना करियर बनाना चाहते हो और आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये वीडियो पूरा आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिकॉज हम आज पूरे बेसिक्स पे चर्चा करने वाले हैं शेयर मार्केट के। सो मेरा नाम है स्मित ठक्कर, आई एम योर फाइनेंशियल आर्किटेक्ट, लेट्स गो। तो शेयर मार्केट के बारे में जानने से पहले आइए जान लेते कि ये शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। अगर एग्जांपल के तौर पे हम देखने जाए तो चलो मान लेते कि दो दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने पार्टनरशिप में एक बिजनेस स्टार्ट किया, जिसमें ये तय हुआ कि कल उठ के जितना भी प्रॉफिट कंपनी में होगा वो दोनों में 50-50% डिवाइड होगा। जिसका मतलब ये हुआ कि दोनों पार्टनर्स की उस कंपनी में हिस्सेदारी 50-50% है। वैसे ही अगर मैं किसी कंपनी के शेयर्स में 50,000 का इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मतलब कि मैं 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके उतने शेयर्स परचेस करता हूँ, तो मेरी उस कंपनी में मेरे 50,000 की हिस्सेदारी हो जाएगी। मतलब कि मेरा इन फ्यूचर जितना भी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा उस कंपनी में, उस हिसाब से वो कंपनी उसके फ्यूचर में जितने भी प्रॉफिट्स होगी वो मुझे पास ऑन करेगी। अगर इसी में मुझे अगर डायरेक्टली किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करनी है, तो मैं उस कंपनी में जाके ऐसा नहीं बोल सकूँगा कि भैया मुझे आपकी कंपनी में पार्टनरशिप चाहिए, मेरे पास इतने पैसे, मुझे आप पार्टनरशिप दे दो। लेकिन शेयर मार्केट एक ऐसा मीडियम है जिसमें आप उस कंपनी के शेयर्स को परचेस करके उस कंपनी में अपनी पार्टनरशिप को दर्ज करा सकते हो। सो अभी हम बात करेंगे कि ये शेयर मार्केट क्या चीज़ है। तो शेयर मार्केट आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे सारी कंपनीज जितनी भी इंडियन मार्केट में है वो मोस्टली सारी कंपनीज ने अपने शेयर्स को शेयर मार्केट में लिस्टिंग किया होता है। मतलब कि एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे आप शेयर्स अलग अलग कंपनीज के शेयर्स को परचेस भी कर सकते हो और उसको सेल भी कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आखिर कंपनी अपने शेयर्स को बेचना क्यों चाहती है, कंपनीज इससे तो अच्छा कि अपनी खुद के शेयर्स खुद के पास ही रखे, वो अपने शेयर्स को ऐसे मार्केट में क्यों रख रही है। तो उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि अगर किसी भी कंपनी को सक्सेसफुली रन करना है, यानी कि चलाना है, तो उसके पास सबसे पहला ऑप्शन होना चाहिए वो है अच्छी सी लिक्विडिटी, अच्छा सा फंड। अगर कंपनी के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो वो अच्छे से रन नहीं कर पाएगी। सो अगर हम बात की जाए तो कंपनी के पास सबसे पहला ऑप्शन रहता है कि वो लोन ले सकती है। अगर कंपनी लोन लेगी, अगर हमारी बात करें तो अगर हमें 5, 10, 15, 20 लाख की अगर लोन चाहिए, तो अगर हम बैंक से लेते तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ हम लोन चुका देते हैं। लेकिन कंपनी जो रहती है उसकी करोड़ों में लोन रहती है, जिसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो भी लाखों या करोड़ों में चला जाता है। तो कंपनी के पास एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है कि जितना भी वो प्रॉफिट अगर कमाती भी है तो उसमें से बहुत सारा प्रॉफिट उसके इंटरेस्ट में ही चला जाता है। लेकिन अगर उसी कंपनीज के शेयर्स मार्केट में अवेलेबल है तो हम जितना भी पैसा उसमें इन्वेस्ट करते हैं वो कंपनी को डायरेक्टली वो पैसा मिल जाता है, जिस पे उसको एक भी रुपया रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं चुकाना रहता। उसको सिंपली जितना भी प्रॉफिट होगा उसको अपने शेयर होल्डर्स के अंदर में सेम वे में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो कंपनी के पास ये बहुत बड़ी एक लीवरेज आ जाती है। अगर हम दूसरी बात की जाए कि कंपनी अगर शेयर मार्केट में लिस्टेड है, उसकी बैलेंस शीट बहुत अच्छी है और वो कंटिन्यूसली ग्रोथ दिखा रही है, तो इन फ्यूचर म्यूचुअल फंड्स जो है, मार्केट मेकर्स जो है, जो ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज जो है, उन सब का इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में आ सकता है, जिससे कंपनी के पास एक बहुत बड़ा फंड आके उसके लिए बहुत बड़े एक एडवांटेज हो सकता है। और तीसरा बेनिफिट कंपनी के लिए ये हो सकता है कि अगर वो शेयर मार्केट में लिस्टेड है और कल उठ के उसको ज़्यादा फंड की ज़रूरत है, तो जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और जितनी भी बैंक्स है उसकी तरफ से वो कंपनी का एडिशनल लीवरेज, यानी कि एडिशनल एक एडवांटेज रहता है, जिससे कंपनी के लिए फंडिंग इकट्ठा करना बहुत ईजी हो जाता है। सो अगर शेयर मार्केट आपके लिए नया है, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो, तो उससे पहले शेयर मार्केट की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज जाननी बहुत ज़रूरी है। सो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी आपने आए दिन सुना होगा शेयर मार्केट में कि इंडेक्स। आखिर इंडेक्स क्या है? तो इंडेक्स एक मेजरमेंट टूल है। जैसे कि हम बात करें कि अगर हम वेट की बात करें तो वेट को मेज़र किया जाता है किलोग्राम्स या तो ग्राम्स में। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस को एक किलोमीटर्स या मीटर्स में मेज़र किया जाता है। वैसे ही अगर शेयर मार्केट को मेज़र करना है तो वो मेज़र का उसका यूनिट है इंडेक्स।
मतलब कि शेयर मार्केट में जितने भी शेयर्स है, अगर उन सारे शेयर्स का एक एवरेजिंग निकाला है तो वो जितना भी एवरेज हमें मिलेगा उस एवरेज को बोलते हैं कि वो पूरे शेयर मार्केट का एक इंडेक्स है। अभी हम देखने जाए तो इंडेक्स भी जो है वो बहुत अलग अलग टाइप की रहती है, जैसे कि ग्लोबल स्टॉक मार्केट इंडेक्स, नेशनल स्टॉक मार्केट इंडेक्स एंड रीजनल स्टॉक मार्केट इंडेक्स। तो अभी हम बात करेंगे मोस्ट कॉमन टर्मिनोलॉजीज बीएससी एंड एनएससी। आखिर ये बीएससी एनएससी है क्या? बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अभी आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम हमारे स्टॉक्स को एक्सचेंज कर सकते हैं विद द कंपनीज और विद द अदर शेयर होल्डर्स। मतलब कि आप यहाँ पे कंपनीज के शेयर्स को परचेज भी कर सकते हैं और उसको सेल भी कर सकते हैं। अभी आपने सुना होगा कि बीएससी सेंसेक्स 30 या तो एनएससी निफ्टी 50, ये क्या है? आज सेंसेक्स इतना ऊपर गया, निफ्टी इतना नीचे आया, तो इसका मतलब क्या है? सो सेंसेक्स जो है उसको हम सेंसेटिव इंडेक्स के नाम से भी बोल सकते हैं, जिसका दूसरा नाम सेंसेटिव इंडेक्स है। वो जो है वो 30 वेल एस्टेब्लिश जो मार्केट की कंपनी है, 30 कंपनीज, उसके वेटेज के एवरेज को रिप्रेजेंट करती है। मतलब कि उसका जितना भी वेटेज रहेगा उसके एवरेज को एक रिप्रेजेंट करती है, जो है सेंसेक्स 30। और उसमें भी जो निफ्टी 50 है वो मार्केट की 50 ऐसी वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है जिसका वेटेज एवरेज को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि 50 कंपनीज जितनी हुई है उसकी जितनी भी मार्केट वैल्यू, उसका जितना भी वेटेज है, उसका जो भी एवरेज रहेगा उसको रिप्रेजेंट करती है निफ्टी 50। अभी सेंसेक्स 30 और निफ्टी 50 में कौन सी कंपनी इंक्लूड है अगर वो आपको जानना है तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। सो हमने शेयर मार्केट के बारे में, शेयर्स के बारे में, शेयर्स मार्केट की जितनी भी टर्मिनोलॉजीज है उसके बारे में हमने जान लिया। लेकिन अभी हम बात करेंगे कि शेयर मार्केट में हम इन्वेस्टमेंट कहाँ पर कर सकते हैं, कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जहाँ पे हम शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो शेयर मार्केट में आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए टोटल 6 ऑप्शंस अवेलेबल है। इन 6 ऑप्शंस में से आप किसी भी ऑप्शन में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में मैं आपको ज़्यादा डिटेल में आज नहीं बताऊंगा। अगर मैं डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, लेकिन जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसके रिलेटेड मैं वीडियो इंडिविजुअली बनाता रहूंगा। सो आइए शुरू करते हैं कि कौन से उसके कंपोनेंट्स हैं। सो सबसे पहला कंपोनेंट है इक्विटी, यानी कि जितनी भी कंपनीज ने अपने शेयर्स को मार्केट में बेचने के लिए रखा है, अगर हम उस शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका मतलब है कि हमने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया है। सो इक्विटी का ये कंपोनेंट है, उसमें हम 100 रुपीज का अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 100 रुपीज तक का ही ट्रेड करने का मौका मिलेगा। मतलब कि आपका जितना इन्वेस्टमेंट है आप उतना ही ट्रेड कर पाओगे, उससे ज़्यादा आपको एक भी रुपये का लीवरेज यानी कि क्रेडिट नहीं मिलेगी। दूसरा ऑप्शन आता है फ्यूचर्स। फ्यूचर्स एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें अगर आप 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप 500 रुपये तक का ट्रेड कर सकते हो, यानी कि आपको 5 गुना तक का ट्रेड करने का मौका मिलेगा जिसमें आपको उतनी लीवरेज मिलेगी। थर्ड ऑप्शन है इंडेक्स फ्यूचर्स। इंडेक्स फ्यूचर्स एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें अगर आप 100 रुपीज का सेम इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें आपको 1000 रुपीज तक का ट्रेड करने का मौका मिलेगा। मतलब कि जितना रिस्क है उतना इसमें रिवॉर्ड भी अवेलेबल है, मतलब कि आपको 10 गुना तक का लीवरेज यानी कि क्रेडिट मिलेगी। सो बात की जाए हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट की, जो फोर्थ कंपोनेंट ऑफ द शेयर मार्केट इज कमोडिटी। कमोडिटी एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें अगर आप 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आपको 200 रुपीज तक का ट्रेड करने का मौका मिलेगा, यानी कि आपको 20 गुना तक की लीवरेज यानी कि क्रेडिट मिलेगी। अभी उसके बाद बात की जाए कि पांचवा कंपोनेंट वो है ऑप्शंस। ऑप्शंस में अगर आप 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको उसके सामने 500 रुपीज यानी कि 50 गुना आपको लीवरेज मिलेगी, यानी कि आप अगर 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप 500 तक का ट्रेड कभी भी कर सकते हो। अभी लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो कंपोनेंट है वो है फोरेक्स। फोरेक्स एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें आप अगर 100 रुपीज इन्वेस्ट करते हो तो उसमें आप 40,000 तक का ट्रेड कर सकते हो, यानी कि आपको 400 गुनी लीवरेज मिलती है उसमें, यानी कि आप अगर 100 रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट के सामने 40,000 कमा सकते हो तो उसके सामने आप 100 रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट के सामने 40,000 गवा भी सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगर शेयर मार्केट आपके लिए नया है और शेयर मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इट्स ए रिक्वेस्ट कि प्लीज़ थोड़ा बहुत पहले मार्केट में रिसर्च या उसकी स्टडी कर लीजिए, उसके बाद समझने के बाद इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। और एज अ बिगिनर, एज अ स्टार्टर, मैं आपको ये रेकमेंड ज़रूर करूँगा कि फोरेक्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, इन सब में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अब इक्विटी से स्टार्ट कीजिए, और इक्विटी सबसे प्रायोरिटी आपका ऑप्शन होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने जाना कि व्हाट इज शेयर मार्केट, शेयर्स क्या है, उसके डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में हमने जाना, उसके कंपोनेंट्स क्या है शेयर मार्केट के उसके बारे में हमने जाना। सो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मैं इसी चैनल पर इसी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहूँगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्दी।